हेलो दोस्तों, मैं कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके राइट्स के बारे में, दैट यू मस्ट नो ड्यूरिंग इनकम टैक्स रेड्स, इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग्स। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर इनकम टैक्स रेड या इनकम टैक्स सर्च और सीजर आपके प्रमाइसिस पे हो रही है। तो वीडियो के मेन कंटेंट पे आने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो टैक्स लॉज की नॉलेज, टैक्स लॉज की अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी की, गोल्ड ज्वेलरी की, ऑर्नामेंट्स की। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की सीधी सीधी गाइडलाइंस हैं और जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है सर्च टीम को, वो ये है कि 500 ग्राम्स तक की ज्वेलरी फॉर अ मैरिड वुमेन इन द फैमिली तक सीज नहीं हो सकती है। ये लिमिट रिड्यूस हो जाती है फॉर अनमैरिड लेडी, जो लिमिट है 250 ग्राम्स, और फैमिली में जो मेल मेंबर है उनकी लिमिट है 100 ग्राम्स गोल्ड ज्वेलरी तक सीज नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द सीजर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बाय द सर्च टीम शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द स्टेटस, बैकग्राउंड, कस्टम्स ऑफ दैट फैमिली बिफोर डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ द ज्वेलरी टू बी सर्च। ऐसा नहीं है कि 500, 250 और 100 ग्राम्स की लिमिट फिक्स है। सर्च टीम को फैमिली का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कोई फिक्स लिमिट नहीं है 500, 250 और 100 ग्राम्स की। सर्च टीम को फैमिली का स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग द गोल्ड ज्वेलरी टू बी सीज्ड। अगर फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, एक नॉर्मल जिसको आप कह सकते हैं एक नॉर्मल चीज़ है उस फैमिली के लिए, तो वो ज्वेलरी भी सीजर से बाहर जा सकती है एज़ पर सीबीडीटी गाइडलाइंस इशूड ऑन सीजर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। आप सर्च टीम से वारंट मांग सकते हैं जस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सर्च। वारंट प्रॉपरली सील्ड और साइंड होना चाहिए। अगली इम्पॉर्टेंट जो आपका राइट है ड्यूरिंग सर्च इज, आप सर्च टीम के मेंबर्स के आईडीज वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी इंश्योर कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये कोई फेक सर्च की टीम तो नहीं है। आप सर्च टीम का पर्सनल सर्च कर सकते हैं दो समय पे, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द सर्च एंड एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द सर्च आप उनको पर्सनली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्च में एक इम्पॉर्टेंट आपका राइट है, If you request to the search team, the lady member of the family should be searched by the lady member of the search team with due regard and strict adherence to the decency. अब यहाँ पे witness की बात आती है। आप अपने neighbors में से दो independent और respectable neighbors को as a witness call कर सकते हैं, it is your right. अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है ड्यूरिंग सर्च, फॉर एग्जांपल आपका बीपी लो हो गया है या हाई हो गया है या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी लगती है सर्च के दौरान, तो आप सर्च की टीम को बता सकते हैं। सर्च की टीम को आपको डॉक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आपका राइट है। यू कैन आस्क फॉर मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग्स। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं और सर्च चल रही है तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं समय पे, प्रोवाइडेड उनका बैग, उनका लंच बॉक्स प्रॉपरली सर्च टीम चेक कर ले। बच्चों को स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए कभी भी रोका नहीं जा सकता है सर्च टीम के द्वारा। आप अपने समय अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले सकते हैं। सर्च टीम आपको इन चीज़ों के लिए कभी भी नहीं रोक सकती है, सीबीडीटी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं पंचनामे में, पंचनामे की कॉपी with duly signed by the search team officer along with all the relevant annexures आप उनसे ले सकते हैं। सर्च के दौरान आप ये इंश्योर कर सकते हैं, ये आपका राइट है कि जो भी स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड कराए हैं वो करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आप इंश्योर कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका राइट है। सर्च प्रोसीडिंग्स में अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हुई हैं और 180 दिन से ज़्यादा सीजर कंटिन्यू चल रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मेरी बुक्स रिलीज कर दी जाएं। यहाँ पे जाते जाते लास्ट में एक सीबीडीटी का लेटर है, 2014 में सीबीडीटी ने इशू किया था, इसकी जानकारी हम सबको होना बहुत ज़रूरी है। जो फोर्सफुल एडमिशन ऑफ इनकम सर्च प्रोसीडिंग्स में कराए जाते हैं, ये सीबीडीटी का लेटर उसी के बारे में बात करता है। 2014 का लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है।
जहां पे सीबीडीटी इस लेटर में अपने ऑफिसर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस देती है कि कोई भी फोर्सफुल एडमिशन ऑफ इनकम ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग्स नहीं करवाना है, दैट मेक डिपार्टमेंट एंड इट्स ऑफिसर्स टू कम इन द बैड लाइट, इन द पुअर लाइट, सरेंडर या फिर इनकम सर्च में तभी ऐड होगी व्हेन इट शुड बी सपोर्टेड बाय क्रेडिबल एविडेंस दैट फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च प्रोसीडिंग्स। अगर आपके ऊपर फोर्स होता है फॉर सरेंडर ऑफ इनकम, तो आप उस सर्च टीम को ये वाले सीबीडीटी लेटर का रेफरेंस जो 2014 में इशू किया गया है आप ये दे सकते हैं। फोर्सफुल एडमिशन, फोर्सफुल सरेंडर ऑफ इनकम इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इवन बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। सीबीडीटी के साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सीबीडीटी का लेटर है 2014 का, वही इनकम सर्च प्रोसीडिंग्स में सरेंडर होगी, एडमिसिबल होगी जो क्रेडिबल एविडेंसेस से सपोर्ट होती है। सर्च टीम फोर्स नहीं कर सकती है एसएससी को कि वो फोर्सफुली इनकम सरेंडर करे, इनकम एडमिट करे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर्च प्रोसीडिंग्स। हाँ, तो ये था हमारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो ऑल अबाउट टैक्स पेयर्स राइट ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग्स और इनकम टैक्स रेट्स। ये राइट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि लोगों को समय समय पे टैक्स की नॉलेज, टैक्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, स्टे ट्यून विद अस, हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़। बाय।